लो पी लो रामू। नहीं मैं ये कड़वी दवा नहीं पीऊंगा, मैं हलवा खाऊंगा। दवाई नहीं पियोगे तो बुखार कैसे उतरेगा? मैंने बोला ना मैंने पियूंगा। प्यारे मुन्नी की अब तबीयत कैसी है? कैसी बेटा, अब तबीयत कैसी तुम्हारी? ठीक हूँ। देखो ना माँ, दवाई नहीं पीता हलवा मांगता है। मुझे मालूम था बेटा, तभी हम अपने प्यारे मुन्ने के लिए मीठा मीठा हलवा लाए। हाँ बेटा खाओ हलवा, शाबाश डार्लिंग, तुम भी खाओ ना। नहीं। खाओ ना। नहीं जी। खाओ शाबाश, आहा वेरी गुड। पिताजी आज बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारी मार हमें गाने का प्रोग्राम मिला है, लेकिन बेटा हमें जलपाईगुड़ी जाना पड़ेगा। लेकिन रामू को इस हालत में छोड़ के जाएंगे? नहीं माँ तुम जाओ, हमें पैसों की सख्त जरूरत है ना। हाँ माँ, मकान मालिक सुबह से दो बार आ चुका है, फिर आने को कह गया है। सिर्फ दो दिन की तो बात है ना, मैं रामू की देखभाल कर लूंगी। अच्छा। नमस्ते श्याम बाबू। नमस्ते लाला जी। नमस्ते सीता देवी। नमस्ते लाला जी। आज ही के दिन बुलाया था ना? हाँ लाला जी, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ लाला जी। फिर वही क्षमा? सीता देवी ये क्षमा तो आप बहुत बार मांग चुकी हैं। अगर आज मेरा किराया नहीं मिला तो घर खाली करवा लूंगा। ऐसी बात नहीं लाला जी, आप 200 रुपए रख लीजिए। 200 रुपया? हाँ। अरे भाई मेरा तो 1200 रुपए किराया बाकी है। लाला जी हमें आज ही जलपाईगुड़ी का प्रोग्राम मिला है, वहाँ से लौटते हम आपका 1000 रुपए अदा कर देंगे। हाँ। देखो श्याम बाबू, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर वापस लौटते मेरा किराया नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरूर देंगे लाला जी। किराया देते नहीं हलवा खाते हैं। मेरा हलवा। हाँ बेटा, जलपाईगुड़ी से आने के बाद तुम्हें हम खूब हलवा खिलाएंगे। हाँ मेरा तो जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्या करें सीता, मजबूरी है। राधा भैया का ख्याल रखना। हाँ? अच्छा माँ। माँ मेरी एक चिट्ठी है, इस अभी ने खोलना, प्रोग्राम शुरू होने से पहले खोलना। चले बेटा। अच्छा बेटा संभाल के रहना। अच्छा माँ। टाटा। बाय बाय। टाटा। बैठो। चलो बेस्ट। रामू दवा पीते रहना। बाय बाय। जल्दी लौटना माँ। चलो रामू तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना। शुरू करो। Come on, boys. माँ तुम स्टेज पर मेरा गाना गाओगी तो तुम्हारा प्रोग्राम एकदम हिट होगा। गाना है जू जू जुबी जुबी जुबी, तुम्हारा रामू। याद तुम्हारी जब जब आए, गीत तुम्हारा याद दिलाए, यादों का गम जब दिल को सताए, मेरे लबों पे नगमाए zubi 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 Zoo, 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 z
चमकेंगे अपने सितारे, दिन हमने जो मिलके सवारे, कल सच होंगे सपने वो सारे, तेरा दिन आएगा जुसु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुसु जुबी जुबी जुबी, तेरा दिन आएगा जुसु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुसु जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, जू जू जू, जुबी जुबी जुबी, जू जू जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी, हे श्री ए एम सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आकर इस म्यूजिकल ट्रूप को बधाई दें। राजा बहादुर ए एम सिंह साहब। नौजवानों, देवियों और सज्जनों, हम तो संगीत के दीवाने हैं। संगीत एक ऐसा जादू है जो मुर्दों में भी जान डाल देता है। अच्छा संगीत सुनकर और अच्छा डांस देखकर हमारी रीढ़ की हड्डी में गुदगुदी सी होने लगती है। सच बात तो यह है कि आज का प्रोग्राम देखकर हमारा जी नहीं भरा, प्यास बढ़ी है। चूंकि आप हमारे इलाके में हैं, कलाकारों से मेरा निवेदन है कि वापसी पर कुछ दिनों के लिए हमारे महल में शाही मेहमान बनकर रहें, ताकि हम आपके डांस और संगीत का पूरा पूरा मजा ले सकें। क्षमा चाहूंगा राजा साहब, पर हम लोग घरों में जाके नाचते और गाते नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? क्योंकि राजा साहब, संगीत या तो मंदिर मांगता है या ये मंच। बड़े अफसोस की बात है कि मैं अमर महल को ना तो मंदिर बना सकता हूं और ना ही मंच। हां, मैं आपकी कला की कीमत जरूर दे सकता हूं, 20,000, 30,000, 40,000, आप जो भी मांगे। नहीं राजा साहब, सवाल पैसों का नहीं, नियमों का है। आपकी मर्जी, कलाकारों के साथ कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। फिर भी जैसा मैंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और हमारे इलाके में हैं, देवियों और सज्जनों, इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया। चलो हम लोगों से आपको क्या मिलेगा? एम सिंह इस लड़की का गाना सुनना चाहते हैं।
खूबसूरत आवाज को हम अपने महल में कैद करके रखेंगे। गार्ड्स, बाकी सब बैंड बाजे वालों को बस में भरकर खाई में ढकेल दो। अरे तुम्हें कुछ मालूम है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अभी तक तो नहीं आए, अभी आते ही होंगे। अब नहीं आएंगे वो, देखो क्या लिखा है, मर गए वो, उनकी बस खाई में गिर गई, सबके सब मर गए। चलो निकलो यहाँ से, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, चलो निकलो, मुझे 1,000 रुपए के किराए का फटका लग गया। हमें मत निकालिए। नहीं नहीं, मैं तो किराया दूंगा। अरे तू, नहीं किराया देना होता ना, नहीं किराया देने के बाद ही मरते। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो, भिखारी कहीं के। किराया तो देते नहीं थे, हलवा खिलाते थे बच्चों, जा भीख मांगो जा करके। अरे चलो चलो काम करो अपना, चलो यहाँ कोई मेला लगा हुआ है क्या? चलो जाओ। संभल कर यहाँ बैठ जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? राधा, बहुत जोर के भूख लगी है, कुछ लाओ ना, हलवा हलवा। रामू रामू रामू। हाँ बेटा। मामू, तू तो कुछ खाता ही नहीं। माँ जी, मेरा भाई बहुत भूखा है, मुझे कुछ भी खाने के लिए दीजिए। चल हट, मेरे बेटे को नजर लगाती है, हट। रामू राम रामूले रामूले
रामू, देख हमारे पास पैसा आ गया रामू, उठ। हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। लोग तालियां भी बजाएंगे और पैसे भी फेंकेंगे। लेकिन एक बात याद रख, तुझे जिंदगी में हलवा खाना है तो डांस करना पड़ेगा। डांस डांस। Thank you.
हलवा केक है हिंदुस्तानी, काटे बचपन खाए जवानी, खाके इसे बुढ़ापा कभी नहीं आए। खुशियों के मौके पर काटो, छोटे बड़े सभी में बांटो, हलवा खाके जीने का मजा आए। आ गया जाने, आ गया आ गया हलवा वाला, आ गया अरे आ गया हलवा वाला, आ गया हलवा वाला, आ गया तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम में बहुत बड़ा आर्टिस्ट छुपा हुआ है। ये कार्ड लेकर के मेरे ऑफिस आ जाना, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की महबूबा बना दूंगा। चलो तुम लोग बांट लो। रामू ये तेरा मेरा। रामू ए रामू, उठ उठ उठ, चाय ठंडी हो रही है, फिर से गरम कर लेना, तब तक मैं सो लूं। अरे छठी बार गरम पड़ चुकी हूँ, उठता है कि नहीं। ओ चल उठ जल्दी, ये ले देख, मैं इंग्लिश की किताब लेकर आई हूँ। अरे मुझे पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी है। अरे मैं तो तेरे को पढ़ा के ही रहूंगी, चल। तू पढ़ाएगी जिसको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता? तेरे को पढ़ाने भर का आता है। ये देख, ए से सेब, बी से बल्ला, सी से बिल्ली, डी से कुत्ता। तेरे को कैसा मालूम? जैसे तेरे को मालूम, तू ये फोटो देख देख के बोल रही है, मेरे को भी आता फोटो देख। अच्छा के। अच्छा ये देख, ई से ये क्या है? अंडा अंडा। हाँ विलायती अंडा, हाँ। इसलिए इतना बड़ा है। चल आगे, एफ से पंखा। ए फॉर सेब नहीं दी। अरे ये सेब की फोटो नहीं तो क्या तेरी फोटो छपी है? ये एप्पल है दीदी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। ए तेरे स्कूल में ए फॉर एप्पल होगा, मेरे दीदी के स्कूल में तो ए फॉर सेब ही होता है। चल चल हट, आगे बढ़े, चल फुट। पढ़ा पढ़ा तू पढ़ा। हाँ रामू, हम लोग स्कूल में काहे को नहीं भर्ती होते? किस लिए? जिंदगी में तरक्की करने के लिए इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। अरे मुझे तो अंग्रेजी आती है। तेरे को अंग्रेजी आती है? हाँ। बोल के दिखा तो। दिखाऊं? हाँ। हाँ समझ ले, मुझे ये बोलना है कि राधा तुझे देखकर माँ बहुत याद आती है। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, राधा जैब जैब तुझे देखेंग मुझे मेरी माँ याद आएंगी। क्या बोला? रामू माँ की बहुत याद आती है। माँ चीज ही ऐसी होती है। अरे वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनकी माँ होती है। लेकिन मुझे तो मेरी माँ है। तूने मुझे माँ से कम प्यार थोड़ी दिया। नजर आता ही मार डालेंगे सर। नहीं, मैंने जिंदगी में सैकड़ों लड़कियां भोगी हैं, लेकिन उसकी बात कुछ और ही थी। क्या नाचती थी,
क्या गाती थी। कुछ खूबसूरत लम्हे गुजारे हैं उसके साथ, वो लम्हे अब भी उसमें जी रहे हैं। जीने दो उसे भी, जीने दो, लेकिन हमारे इलाके से बाहर ना जाने पाए। यस सर। बाकी जिंदगी इन्हीं जंगलों में भटकती रहे। चलो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं भी द्रौपदी की तरह तेरे खून से अपने बाल भिगोए बिना अपना जुड़ा नहीं बांधूंगी। तूने तूने मेरा सुहाग लूट लिया, तेरे मेरे बच्चों से मुझे अलग कर दिया, मेरे बच्चों से मुझे अलग कर दिया। क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? टीपी जैन से मिलने। क्या हुआ? बहुत कमीशन मांग रहा है। तो खाने के बोल, मैं हाथ धोकर आता हूँ। बेटा क्या चाहिए साहब? क्या मांगता है? मेरे को वो थम्स अप की पाटली मांगता है। वो पाटली दे 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 दे। सड़कों पे नाचने गाने वाली, चल आज मेरे साथ। क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर? 10 रुपया देगा। पहले तो तुझे मेरे साथ नाचना पड़ेगा। जगमोहन, इसको तू ले जा, डांस की बात है। आज तो इसे मेरे साथ नाचना ही पड़ेगा, और ऐसा नाचना चाहूंगा कि जिंदगी भर नाचने को जी नहीं जाएगा। ₹400 का तोड़फोड़ का बिल दे दे भाई। मिला। शाबाश ये ले। डांस करो और गाओ। हिलो हिलो भाई हिलो। पीछे 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 पीछे। नजर आया साहब। हाँ जी। बड़ा पाव के 2 रुपए तोड़ फोड़ के बिल इनसे ले लेना, और जब तक पैसे नहीं देते
इनको नाचने के लिए कहना है। आज के बाद किसी की बहन के साथ मजाक नहीं करना बे। कोई गड़बड़ करे तो मुझे बता दे। नाचो, नाचो, क्या बात है। क्या हुआ तुम लोगों को? होना क्या है, जेब खाली है, पेट खाली है, तकदीर खाली है, सब खाली खाली है, ये भी कोई जिंदगी है? मेरी माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है और हम लोग पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली? तो हमारे पास एक टेढ़ी उंगली का आइडिया है। क्या? ब्लू हेवन होटल। ब्लू हेवन होटल? हाँ, उधर एक पारसी डांस और खाना है। तो क्या हम उनका खाना छीन कर खाएं? नहीं, इधर आ। है? लेनी लाऊं? बहुत सोचू छे। लाऊं छु। खा बाबा खानी।
Great! You can't do break dance. Okay, tequila! Tequila! तुम्हारे 90 रुपए और ये रहे 1610 हम सबके 230 हुए। हेलो, आप कौन है? मेरा नाम डेविड ब्राउन है, मैं कई नए कलाकारों को स्टार बना चुका हूँ। अरे आइए ना, बैठिए बैठिए। थैंक यू। और तुम्हें भी एक छुपा हुआ स्टार देख रहा हूँ। सुनो, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि मिस्टर एस के अरोड़ा और सुपर कैसेट्स आजकल यही हैं। हाँ, देखो भाई, वो हम जैसे एजेंट से तो नफरत करते हैं, लेकिन तुम जैसे काबिल लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनसे फौरन जाकर मिलो। कैसे मिलोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उनसे मिलोगे तो कुछ बन जाओ। कहाँ ठहरे हैं वो? होटल हिल्टन, कमरा नंबर 612। होटल हिल्टन 612। और सुनो, 612 वो एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, बुड्ढा बहुत खड़ूस है और हार्ट पेशेंट भी, इसलिए उसे ना तो बहुत खुश करना और ना ही गुस्सा दिलाना, यानी के बीच का। समझ गए? अरे मेरी जान, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दवा? अरे दवा तो मैं भूलता ही नहीं, ये देखो दवा मेरे सामने रखी हुई है। ओके, खाना लाए? ओके, come after half an hour to collect the trolley and your tip. तुम लोग खड़े क्यों? जाओ। सर, हम आपके लिए हलवा लेकर आए हैं। जी सर, लीजिए। अरे, तुम्हें किसने बताया कि हमारे दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और ये उसका शॉर्टेस्ट कट है? नहीं सर, हम तो बस अपनी पसंद की चीज आपके लिए लाए हैं। तुम्हें तो बहुत लंबी टिप मिलेगी। नहीं सर, टिप नहीं चाहिए।
हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जी सर। सर हम दोनों यहाँ वेटर ही नहीं करते। तो फिर सर ये मेरे भाई है रामू, ये बहुत अच्छा सुंदर नाश्ता गाता है, अगर आप उसको देखेगा सुनिएगा आपका दिल भड़क जाएगा। तुम लोगों का आने का अंदाज मुझे पसंद आया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम नाचना गाना जानते हो। हाँ ये कार्ड लेकर तुम एक महीने के बाद बम्बई आ जाना, मैं तुम्हारा ऑडिशन करा दूंगा। अगर तुम वाकई अच्छा नाचना गाना जानते हो तो कंटेस्टेंट्स के फाइनल में आ जाओ, मैं तो तुम्हें पहली सीढ़ी पर खड़ा कर दूंगा। सर सर भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। ठीक है अब जाओ, मुझे खाना खाना है। ठीक 10 मिनट के बाद मेरी बीवी का फोन आएगा ये पूछने के लिए कि मैंने खाना खाया या नहीं। चलिए सर, चलिए चलिए। चलो चलो। थैंक यू सर। नमस्ते। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। चल रामू चल। हमारी कामयाबी की चाबी। हाय जुनीता। हाय। मैंने सोचा कि फाइनल शो की फॉर्मेलिटीज तो चलती रहेंगी, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में बांध तो लूं, वरना ये कंपटीशन जीतने के बाद तुम तो स्टार हो जाओगी और कंपनी को महंगी पड़ोगी। इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर बिंजो, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही, अभी तो फाइनल डांस कंपटीशन में पूरे 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन में तो यहाँ भीड़ हो जाएगी जोनीता बेबी, और इस फाइनल का नतीजा वही होगा जो मैं चाहूंगा। और जब तुमने मुझे जीत लिया तो इस फाइनल में क्या रखा है? मुझे कंपटीशन जीतना ही है, मैं चीप पब्स में नाचते नाचते थक गई हूँ, जहाँ कोई मेरा डांस नहीं देखता, हर आंख मेरे कपड़ों के अंदर झांकने की कोशिश करती है। It's disgusting. I know, it is disgusting. Please sit down. You're a couple of days late, baby. He just popped off. क्या बोला? कि बुढ़ा मर गया, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ? हाँ लेकिन इसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ तो लो बाबू। बाबू? यू आर कॉलिंग मी बाबू? बाबू बिंजो, बिंजो बाबू। हे दैट्स गुड, आई लाइक इट, दैट्स गुड। बाबू बिंजो, बिंजो बाबू। या दैट्स गुड, दैट्स गुड। उन्होंने हमसे वादा किया था, लेकिन वादा चुकाने से पहले द ओल्ड मैन डिसाइडेड टू डाई, यानी कि वो मर गया। ओके नाउ आई डोंट नो हु यू आर, सो प्लीज गेट आउट, गो अवे, प्लीज गो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाई और सी फॉर कैट। अंग्रेजी हमको भी आती है, लेकिन आप हमको हिंदी में बोलो। हिंदी? हाँ। हिंदी में सिर्फ पॉलिटिशियन और टेलीविजन न्यूज रीडर बोलता है मैन हिंदी। लगता है इसे हिंदी पसंद नहीं, इंग्लिश। सुनिए इंग्लिश इंग्लिश, बहुत लंबा रास्ता कमिंग, अपना ही सामान अपने ही कंधे पे। नो खाइंग, नो पीइंग, नो सोइंग। हाँ डांसिंग आखिरी मौका गिविंग और फाइनल। फाइनल में जो लोग डांस करेंगे वो सिलेक्ट किए गए हैं। ओके प्लीज देखिए एक बार आप हम दोनों का डांस देख लीजिए। प्लीज 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 प्लीज, हमें तुम्हारे डांस देखने का वक्त बिल्कुल नहीं है, आप लोग देख नहीं सकते कि हमारे पास कितने अपॉइंटमेंट्स हैं। हाँ लेकिन ये तो खाली है। तो ये मरे हुए अरोरा साहब के वादे का कुछ नहीं आपको? मर अरोरा साहब मर गए। नाउ प्लीज गेट आउट, प्लीज गेट आउट, गो अवे, हमारा टाइम खराब मत करो प्लीज। अब तुम्हारा टाइम जरूर खराब आएंगे। तुमको कुर्सी से नहीं गिराए तो मेरा भी नाम नहीं देखना। चलो अरे क्या हुआ? क्या हुआ कि मिस्टर अरोरा का देहांत हो गया? क्या? वो तो उसे मरना ही था,
नटशेल में बोलो ना कि काम नहीं बना। शिट यार। अरे शिट नहीं, बिग शिट। जबरदस्ती यहाँ तक घसीट लाए, अब वापस आने तक का किराया नहीं है। अब क्या होगा? जब हम अरोरा से मिले थे वो अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहे थे ना? हाँ। आइडिया। यस। आइए। आइए बैठिए। कहिए, ये कार्ड आपको कहाँ से मिला? जी, आपके पति अरोरा साहब ने खुद पंजीम में दिया था और हमें चांस देने का पक्का वादा किया था, लेकिन यहाँ कर पता चला कि हाँ, वो एकदम से। लेकिन आप लोगों के साथ वादा किया था तो जरूर आप लोगों में कोई बात होगी। आप ऐसे कीजिए, ऑफिस में जाकर ब्रिजमोहन से मिल लीजिए। वो उनसे तो हम मिले, लेकिन उन्होंने हमें बिंजो साहब ने कहा कि फाइनल लिस्ट हो चुका है और हमको चांस नहीं मिलेगा। क्या ऑडिशन नहीं हो सकता? सिलेक्शन हो चुका है क्या? ब्रिजमोहन को मेरे पति के दिए हुए वादे की कोई कदर नहीं? आप लोग इत्मीनान से रहो, मैं उससे बात करती हूँ। मैडम, हम लोग बहुत दूर से बहुत लोग आए हैं, अगर जल्दी। जरूर। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। नाउ प्लीज मिसेज अरोरा, तुम अपने हिस्से का मुनाफा ले जाओ, मगर प्लीज बिजनेस के मामले में दखल मत दो। मैनेजमेंट मैंने टेक ओवर किया है और अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। यू अंडरस्टैंड? नाउ गेट आउट, गेट लॉस्ट, कम ऑन, गेट आउट। क्या हुआ आंटी? आप रो क्यों रही हैं? आप थोड़ी हम लोगों के लिए नई तकदीर लिख सकती हैं? सुनो, तुम लोगों को मेरे पति ने वादा किया था, वो वादा पूरा होगा। टू हेल विद ब्रिजमोहन एंड हिज मेन, ये प्रोग्राम होगा, तुम लोग कंपटीशन में हिस्सा लोगे। मगर कैसे? वो सब मैं संभाल लूंगी। तुम लोग ये प्रोग्राम करोगे, ये प्रोग्राम होगा, 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 होगा। Thank you.
Jolita, sweetheart, you were fantastic, beautiful. Thanks. Come in. Friends, dear friends, मैं संगीता अरोरा हूँ, इस कंपनी के फाउंडर की विधवा. मेरे पति ने ये कंपनी नए नए कलाकारों को खोजने और म्यूजिक लवर्स को उनका परिचय करवाने के लिए खोली थी. मगर आज ये कंपनी म्यूजिक माफिया के हाथों चली गई है. मुनाफा खोरों ने माइक का कनेक्शन ऑफ करो. पुट द माइक ऑफ. नए कलाकारों माइक बंद करो. पर साहब माइक का कनेक्शन तो प्रोजेक्शन रूम में है. मैं ये दरवाजा तोड़कर आपके सामने एक ऐसे नए ग्रुप को ला रही हूँ जिन्हें मेरे स्वर्गवासी पति ने चांस देने का वादा किया था. और आज वो वादा मैं पूरा कर रही हूँ. मुझे यकीन है कि मेरे पति की आत्मा रामू और उसके साथियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ जरूर आई होगी. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव रामू अ बिग हैंड. से भूल पाए एक दिन वो ही गीत गाए.
मुश्किल नहीं है फिर यहाँ आए है नचेंगे नचेंगे गाएंगे गाएंगे से सुपर कैसेट टी सीरीज का डांसिंग कंपटीशन सुपर डांसर्स के ग्रुप ने जीत लिया How do you do, Your Highness? How do you do? Your Highness? कहाँ के Your Highness? 15 बरस पहले हम Your Highness हुआ करते थे, Mr. Banjo. Mr. Banjo? भाई हमें तुम्हारा ये नाम कुछ समझ में नहीं आया. अगर कोई म्यूजिकल नाम रखना ही था, तो रॉक एंड रोल, चाचा चा, रामबा सांबा. जाज कुछ ऐसा नाम रखते ये बेंजो योर हाइनेस सर मेरा नाम बेंजो नहीं बिंजो बाबू है ओके ओके बेंजो बाबू हैव अ ड्रिंक हैव अ ड्रिंक तो अब हम काम की बात करें बेंजो बाबू तुम तो जानते हो कि मैं संगीत का भक्त हूं मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग कंपनी स्टार्ट की जाए नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस करने के लिए योर हाइनेस ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल ख्याल है आई लाइक इट योर हाइनेस लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम सूर्यवंशी राजपूत हैं
हुकूमत कर सकते हैं, बिजनेस नहीं। यस यस दैट्स ट्रू। इस रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए हम तुम्हें फाइनेंस करेंगे क्योंकि तुम्हें बहुत तजुर्बा है इसका। थैंक यू योर हाइनेस। मैं आपके सामने टैलेंट का ढेर बना दूंगा। टैलेंट नहीं, टैलेंटनिया। यो बिल्कुल योर हाइनेस वो भी हो जाएगा, हो जाएगा। आज शाम को क्या कर रहे हो? नथिंग नथिंग। हम तुम्हें मिनिस्टर साहब की पार्टी पर ले जाएंगे, उन्हें इलेक्शन जीतने में हमने काफी मदद की थी। योर हाइनेस माय प्लेजर योर हाइनेस। मिनिस्टर साहब की पार्टी में मुझे प्लीज बैंजो नहीं, बिंजो बिंजो बाबू बुलाइएगा। ओके बैंजो बाबू। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? आज मेरा बाहर जाने का जी नहीं कर रहा, तू अकेले जा। क्यों? सच बताओ, मेरे आने से सारी जवान लड़कियां जलकर कबाब हो जाती हैं, क्योंकि जब मैं होती हूँ ना, तुम्हें हड़प करने का उन्हें मौका नहीं मिलता। देख बकवास बंद कर, टाइम हो गया, चल। अरे हेलो, कौन? राधा। अरे भाई रोमियो कहाँ है? उससे कहो जल्दी करे, मिनिस्टर साहब पार्टी में आ चुके हैं। मैं अभी भेजती हूँ। हाँ ओके थैंक यू। देखो वो गवर्नमेंट का आदमी पहुँच गया, तुम जल्दी जाओ। मिनिस्टर साहब, ये है हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कंपनी के पार्टनर मिस्टर बेंजो। बेंजो बेंजो बाबा। दिखा एम साहब, कमाल है, क्या क्रेज है। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारी नई रिकॉर्डिंग। नमस्ते मिस्टर ब्राउन। सेक्रेटरी टू मिस्टर रोमियो सर। हेलो रोमियो, इनसे मिलिए, मिस्टर ए एम सिंह, मेरे खास दोस्त। हेलो। हमारी मुलाकात भी कमाल है, मिलने से पहले अब लड़खड़ा गए। एक्सक्यूज मी। ओके, ये है हमारे पार्टनर मिस्टर बेंजो। बेंजो 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 बाबू। याद है एक दिन तुमको कहा था तुमको कुर्सी से गिराएंगे, कैसे गिराया? चलिए ए एम सिंह साहब, शैंपेन खोलकर हमारी बेटी का बर्थडे चीयर अप कीजिए। सॉरी अंकल, मेरा बर्थडे रोमियो चीयर अप करना। लेकिन मुझे खुलना नहीं आता। नहीं ऐसे। लेकिन मैंने कभी पी नहीं। कम ऑन यंग मैन, आज तो खुशी का दिन है, इतना पियो कि होश न रहे। एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? रोमियो साहब आप? हाँ? और इस छोटे से पब में, अरे लाइव बन गई। रोमियो साहब एक ऑटोग्राफ दे दीजिए प्लीज। रोमियो साहब नाम भी लिखिए ना, दुग्गल। दुग्गल। पानी मिलेगा ग्लास पानी?
जोशे जवानी के लिए रवानी भेज दो, पानी मांगा है तो शराब भेज दो। रोमियो साहब, पानी भी कोई पीने की चीज है, शराब पीजिए शराब। मजा आ गया, लाइफ बन गई। सुनिए, एक ग्लास पानी मिलेगा? फुट फुट चल, फोकटिया कहीं का। रोमियो साहब, आप हंस रहे हैं? ये लाइफ बड़ी जालिम चीज है दोस्त। कभी पानी के लिए तरसा देती है और कभी पानी मांगो विस्की पिला देती है। चीयर्स। हाय बेबी। हाय। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। और तुम्हें मालूम है, आज नीचे रोमियो आया है। रोमियो? चीयर्स लाइफ, चीयर्स। चीयर्स रोमियो साहब। रोमियो, ओ रोमियो। जाने मन तुम नंबर वन हो, हर जवां दिल की धड़कन हो, है सितारे तुम पर मेहरबान। तुम हो तुम तो हम भी हम हैं, हम नहीं तुमसे कुछ कम हैं, हम है क्या ये तुमने जाना कहां। ऐसा जलवा है दिखलाना, तुम जहां हो जाती हूँ, है बंधी पाँवों में बिजलियाँ।
जुनू है कैसा नशा है क्यों फिदाना तुम पे होगा जहां दिल रुबा ये मेरा यकीन है दिल वो तुमसे दूर नहीं है जब सितारे होंगे गाड़ी खराब हो गई क्या? हाय बेबी। हाय। अभी मेकअप मत उतारो बेबी। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस होटल के मालिक डी के साहब के तीन दोस्तों से मिलाना है। बहुत बड़े लोग हैं, वीआईपी हैं। जी नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। आप जरा बाहर जाइए तो मैं कपड़े बदल लूं। नो बेबी, उनसे तो तुम्हें आज ही मिलना पड़ेगा और उनका दिल भी खुश करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? आप गलत समझ रही हैं। हर नाचने वाली लड़की वैसे नहीं होती। नहीं, तुम नहीं जा सकती। माणिक, तुम कौन होते हो मुझे हाथ लगाने वाले? अपन तो ट्रेनर है बेबी। रेस में दौड़ाने से पहले घोड़ी को तोड़ना पड़ता है ना। अब ठीक है। रोमियो, रोमियो प्लीज मेरी इज्जत बचा लो। क्या? प्लीज मेरी इज्जत बचा लो। अगर मैंने तुम्हारी इज्जत बचा ली तो तुम गाड़ी की चाबी लगा दोगी? हाँ लगा दूंगी। हाँ ठीक है, जब तक मैं तुम्हारी इज्जत बचाता हूँ तुम गाड़ी की चाबी लगा। लगा। ए भाई एक मिनट, मैं लड़की की इज्जत बचा रहा हूँ, बीच में नहीं बोलने का। क्या करता है? मैं तुमको बोला ना, मैं लड़की की इज्जत बचा रहा हूँ, बीच में नहीं बोलने का। चल लगी रहो। ए अबे बेवड़े, काय को अपनी मौत को बुला रहा है अबे? क्या? कितना पियाला बाप? ए 16 पैग पियाला बाप। 16 पैग और लड़की की इज्जत बचाने चला है? अपनी जान बचा बेवड़े। नहीं पहले मैं लड़की की इज्जत बचाऊंगा, फिर मैं अपनी जान बचाऊंगा। हाँ ए भाई, ए तूने 4 रुपए का नशा उड़ा दिया क्यों भाई? देख 2 मारा 8 रुपए का नशा उतार दिया। अच्छा, और 2 मारा पूरा 8 रुपए उतार दे। चल उधर गई ना? एकदम उधर गई। अब तू खलास है? नहीं नहीं, तुम लगाती रहो लगाती रहो, मैं इसकी इज्जत उधर के आता हूँ। चार पे का नशा आया। और ये अब ये 16 पैक का नशा। कितना पैक का नशा हुआ? 16 पैक का। एक भाई, मैंने लड़की की इज्जत बचा ली ना, अब मैं अपनी जान बचाऊं? ये तो लुढ़क गया।
गलती हो गई, ये 16 पे का आदमी नहीं है, 12 पे का आदमी है। ए भाई माफ कर देने, एक ज्यादा मार दिया तेरे को। रुक गया। हाँ, मैंने तुम्हारी इज्जत बचा ली। थैंक यू। अच्छा, गाड़ी की चाबी लगी? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? ए बात को टालो मत, पहले बताओ गाड़ी की चाबी लगी? हाँ देखो ना, लग गई। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? कौन कौन है तुम्हारे घर में? एक बहन। रेशम नहीं, जीजा जी कहो। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। नहीं, मैं घर गया था तो पता चला सुबह सुबह तुम यहाँ के लिए निकल आए। अभी तक और भी क्यों नहीं आया भाई? राधा के बिना घर सुना लग रहा था, सोचा चलकर रिहर्सल कर लूं। बहुत अच्छा कर रहे हो, अभी और भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास इतनी बुकिंग्स हैं। देखो जरा कि अगर हर जगह वक्त पर जाना पड़ा ना तो हमें एक पे चार्टर करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कहीं ना कहीं आपका बट तो जरूर आएगा। लुक माय डियर फ्रेंड, लाइफ इज फुल ऑफ इफ्स एंड बट्स। देखो रोमियो, राधा तो शादी करके अपने घर चली गई, अब हमें
एक ऐसी लड़की चाहिए जो हीरोइन बन सके। आपको कल तक मिल जाएगी। This is Janita. Hello. 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 I know. I've seen her. आज से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर रही है। Yeah. Boys and girls, this is Janita, Javed, Anita, Sonu, Shehnaz, Shai. आज से शुरू हो जाए। Ready, uncle? Oh yes. Boys and girls, 1, 2, 3, go. Come on. ये लोकैलिटी एक शरीफ अकेली लड़की के रहने लायक नहीं है। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा बता दूं। आज तक ये गेस्ट रूम था, अब से तुम्हारा हो गया। यहां तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई भी नहीं आ सकता, मैं भी नहीं। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स किस बात का? इस शहर में मैं भी गरीब रह चुका हूं, परेशान रह चुका हूं, बेसहारा रह चुका हूं। इसका किराया कितना होगा? जितना भी तुम दे सको। अच्छा तुम आराम करो और कल के शो की तैयारी करो। बाय बाय। रोमियो को हराना बहुत मुश्किल हो गया है। इट हैज बिकम टू डिफिकल्ट। कल रात जो उसने शो किया उसकी टिकटें ब्लैक मार्केट में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची प्राइसेस में बिकी। जब तक रोमियो डाउन नहीं होता है हमारी कंपनी बढ़ नहीं सकती। मिस्टर बेंजो, रोमियो एक कलाकार है। दैट्स राइट। और किसी कलाकार को तबाह करने का सबसे आसान तरीका है उसे कोई दिमागी परेशानी दे दो। जी मैं समझा नहीं। तुम्हारा रोमियो किसी ना किसी से तो बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। अपनी बहन राधा से। गवारी है? नहीं 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 नहीं, उसकी तो शादी हो चुकी है। किससे? चीयर्स। 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 मिस्टर रेशम, बड़ी अजीब बात है, बचपन से तुमने रोमियो का साथ दिया, उसकी बहन से शादी करके उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, कितने ग्रेट आदमी हो तुम। लेकिन तुम्हारी इस ग्रेटनेस का तुम्हें रिवॉर्ड क्या मिला? सारी शोहरत और दौलत तो रोमियो उड़ा कर ले गया और तुम उसके टुकड़ों पर पलने वाले एक मामूली से आदमी बनकर रह गए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सोच लिया है। तुम हमारी रिकॉर्डिंग कंपनी के पार्टनर बन जाओ। ये रहा 125,000 रुपए का चेक एडवांस।
हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन इसके लिए मेरी क्या इन्वेस्टमेंट्स होंगी, मुझे क्या करना होगा? सिंपल, हमारी रिकॉर्डिंग कंपनी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक रोमियो का डाउनफॉल ना हो जाए। रोमियो को डाउन करने में हमारी मदद करनी होगी। वो कैसे? रोमियो अपनी बहन राधा से बहुत प्यार करता है। राधा को परेशान करके रोमियो को परेशान करना होगा। लेकिन राधा तो मेरी पत्नी है। रेशम साहब, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो कुर्बान करना पड़ता ही है। एक बार आप हमारे पार्टनर बन जाइए, फिर देखिए आप रोमियो से भी ज्यादा दौलतमंद बन जाएंगे। ओके? एक्सक्यूज मी, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना है। मिस्टर बेंजो, जिस तरीके से आप हमारी खातिर करते आए हैं, इन्हें भी जरा वही जलवे दिखाइए। श्योर, जरूर जरूर, आज से तो रेशम साहब हमारे पार्टनर हैं, राइट? बाय बाय। वेलकम वेलकम। तुमने निकाले डालिंग? नेचुरली डालिंग, और कौन ले सकता है? और डालिंग, ये तेरा मेरा छोड़ो, जब तुम मेरी हो तुम्हारी हर चीज मेरी है। हाँ, मैं तो तुम्हारी हूँ, लेकिन ये गहने मुझे रामू ने दिए थे। डालिंग, वो तुम्हारा भाई है, आशन है कि तुम। देखो वो गहने है कहाँ, पहले बताओ मुझे। वो मैं नहीं जानता। हाँ? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन्हें बेचकर रेस में हार आया। एंड डालिंग, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मैंने शादी तुमसे नहीं, तुम्हारे भाई के बैंक बैलेंस के साथ की है। तुम लाओगी और मैं खर्चा करूंगा। कभी नहीं, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लो राधा रानी, आइंदा मुझे कभी नहीं मत कहना। चलो अपनी आंखें बंद करो। ओफो। बंद। हाँ, अभी खोलो। ये क्या रामू, ये बिल्कुल सही नहीं। जब भी आते हैं 20-30 हजार का तोहफा ले आते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अरे मेरे पगले भैया, मेरी होने वाली भाभी के लिए अपनी कमाई बचाना सीख। नहीं, तुम्हें देने में जो मजा है ना, और किसी में नहीं है। याद है, हम दोनों एक साथ भूखे रहे हैं, एक साथ डरे हैं अपने भविष्य से, बेदर्द सड़कों पर एक साथ भटके हैं। इसका मतलब ये नहीं तू अपनी सारी कमाई मुझ पे लुटा दे। तो फिर ये सब कमाई किसके लिए? हाँ, ये लो। नहीं रामू, मैं नहीं लूंगी। और
तुझको मेरी कसम है, इसके बाद मेरे लिए कोई कीमती तोहफे ले आया तो। तुम खुश तो हो ना? क्यों नहीं खुश होंगी, बहुत खुश हूं। अपनी मर्जी से लव मैरिज की है, इतने बड़े स्टार की इकलौती बहन हूं जिसने मुझे रहने के लिए इतना बड़ा बंगला दिया है, ये कीमती कपड़े दिए हैं, गहनों से भरे ज्वेलरी बक्से हैं, और क्या चाहिए मुझे खुश होने के लिए। लेकिन तू मुझे और खुश देखना चाहता है ना, तो मेरे लिए ऐसे कीमती तोहफे मत लाया कर। तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी। मैंने ठीक ही सुना था कि रेशम जुआ खेलता है, रेशम तुम्हें मारता है। ये खून मेरा है, मेरा, ये खून मेरा है। मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं, नहीं, तुम्हारे मुझसे ऐसे लव शोभा नहीं देते। वो तुम्हारा बहनोई है, वो मेरा सुहाग है रामू। प्लीज, प्लीज। ये साले कॉकरोच स्कूटर वाले कहां से पीछे आ जाते हैं? इडियट। जल्दी बोलो क्या बोलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। रेशम, राधा के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बहन है तो वही, बाप है तो वही, भगवान है तो वही, मां है तो वही। राधा मुझसे बड़ी है, लेकिन मां बनकर मुझे पाला है। वो खुद भूखी रही, लेकिन मुझे पेट भर खिलाया है। यार भाषण काम दो, काम की बात करो। रेशम तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे सामने कुछ कहने में शर्म कैसी? जब भी राधा पर हाथ उठाने को जी चाहे मुझे मार लिया करो। मेरे पास जो कुछ भी है, धन दौलत जिंदगी सब ले लो, लेकिन राधा को मत रुलाओ। ये ब्लैंक चेक है, जो मर्जी निकाल लेना, कम पड़ जाए तो बता देना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं रेशम, राधा को दुख मत दो, वो अपने हिस्से के दुख झेल चुकी है। अब बोल कर, देख कैसा छक्का मारता हूं साले। अरे जल्दी कर, ये मारा। आज सबको चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप मेरी तरफ से। अब मैं ये छोटा सा टेलीफोन यहाँ रखूंगा और इसका रिसीवर उठाऊंगा और मेरी प्यारी प्यारी धर्म पत्नी अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से अपने भाई को फोन मिलाएगी और अपने भैया से कहेगी कि भैया उसकी इकलौती बहन को सिर्फ 150,000 की जरूरत है और उसका भाई दौड़ता दौड़ता वो रुपया लेकर इधर आ जाएगा। लो घंटी बज रही है। हेलो, मैं हर महीने अपने भाई से पैसे मांग मांग कर थक गई हूँ। हारो तुम और कर्जा चुकाए मेरा भाई। नहीं, अब ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा?
आज भी होगा, कल भी होगा और परसों भी होगा। नहीं तो मैं तुम्हारी नाजुक सी गर्दन तोड़कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। चाहे तुम मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं अपने भाई से पैसा नहीं मांगूंगी। कैसे नहीं मांगेगी? नहीं मांगेगी। फोन कर भाई को, फोन कर। ऐसे फोन कर। मैं नहीं करूंगी। फोन कर। मैं नहीं करूंगी। मैंने फोन नहीं करूंगी। नहीं करेगी। नहीं करूंगी। मैं बाहर जा रहा हूं, तब तक अपने भाई को फोन करके पैसा मंगवा लेना। किसे फोन कर रही हो? राधा को शो में बुलाने के लिए फोन कर रही थी, लेकिन लगातार इंगे जा रहा है। किसी से बात कर रही होगी। तुम शो के लिए तैयार होकर निकलो, मैं राधा और रेशम को लेकर वहां पहुंचता हूं। ओके। अब भी यही कहोगी कि ठोकर लगने से गिर गई थी? रामू, ये सब छोड़ो, भूल जाओ इसे। कैसे भूल जाऊं? मेरी खूबसूरत बहन के चेहरे पर किसी की बेरहमी के निशान हो और मैं उसे भूल जाऊं? नहीं बहन, आज के बाद तेरे भाई की जिंदगी में कोई तेरे साथ ये बदसलूकी नहीं कर सकेगा। नहीं रामू, तुम्हें मेरी कसम। ये रोमियो क्यों नहीं आया अभी तक? अब आया भी है तो किस हाल में? शुरू नहीं किया तो लोग थिएटर में आग लगा देंगे और वो आग रोमियो की शोहरत की चिता बन जाएगी। प्लीज गो, गो ऑल ऑफ यू, गो, प्लीज गो, ट्राई टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल। बदन में शोलों की गर्मी
Welcome, my boys and girls. No, please get out. No, please, you are not allowed. Please, chaliye, please, bar chaliye. Please, main aapse haath jodta hoon. Please, I request you. Please go out. Please, don't come in. Please, don't. Excuse me, Mr. Brown. Romeo pagal ho gaya hai kya? What nonsense? अपने ही ड्रमर को बुरी तरह मारना पागलपन नहीं तो क्या है? Excuse me please, excuse me. आ गए तुम? लेक्चर नहीं. आज मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही तुम कोई लेक्चर देना. मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ और तुम आज रिहर्सल पर भी नहीं आए. फेस्टिवल में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए. अंकल ब्राउन बेचारे को तो हार्ट अटैक हो जाएगा. तुम अपने साथियों के फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो रोमियो? नहीं, मुझे किसी के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचना है. मेरी राधा का ना कोई फ्यूचर है और ना प्रेजेंट. जानती हो रिशम मेरी बहन को मारता है. जाओ तुम मेरे लिए ड्रिंक बना कर लाओ. अगर मैं तुम्हें ड्रिंक दे भी दूं तो क्या वो राधा को मारना छोड़ देगा? अभी तुम खाना खाओ और सो जाओ. राधा की बात सुबह करेंगे जब तुम होश में होंगे. ओके? नहीं, बैठो. राधा की बात हम अभी करेंगे और इसी वक्त करेंगे. देखो रोमियो, राधा ने अपना नर्क अपने लिए खुद बनाया है और तुम उस नरक की आग में अपने आप को जलाना चाहते हो? मैं राधा के लिए किसी भी आग में जल जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं. तुम्हें बहुत नींद आ रही है ना, जाओ सो जाओ और मुझे पीने दो. मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगा. मैं पीऊंगा और जरूर पीऊंगा. यहां नहीं तो कहीं और जाकर पीऊंगा. जाओ सो जाओ. रोमियो, आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ. मैं सिर्फ तुम्हारी पेइंग गेस्ट हूँ या कुछ और भी? क्या मतलब? मैंने जब से होश संभाला अपने आप को इस दुनिया में अकेला पाया. कुछ भी नहीं था मेरी जिंदगी में, लेकिन जब से तुम मुझे मिले मुझे लगा मुझे नई जिंदगी मिल गई. आज मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दोगे? पूछो. क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कितने अच्छे लगते हो. हेलो मिस्टर रोमियो, होटल सी शेल रूम 102, वहां रेशम है और उसके साथ एक लड़की भी है. और इस बात की खबर रेशम की पत्नी यानी तुम्हारी बहन राधा को भी मिल चुकी है. होटल सी शेल रूम 102. किसका फोन है? कुछ नहीं. क्या इसे भी बुलवाया था? प्लीज घर चलो, मुझे तुम्हारे उस राक्षस भाई से मार नहीं खानी. मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ. घर चलो प्लीज. आह
मुझे मालूम था कि तुम अपने इस गुंडे भाई को साथ ही लेकर आओगी। आगे मत बढ़ो, पुलिस को बुला लूंगा मैं। आगे मत बढ़। तुम मुझे जीने दोगे या नहीं? कैसे भाई हो तुम? बार बार मेरे और मेरे पति के बीच में आ जाते हो। जाओ, तुम अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, मुझे और मेरे पति को अकेला छोड़ दो। जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती हूँ। जाओ। अब तो घर चलोगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, घर जाना चाहता हूँ। ऐसी बात करता है यार, तू जानता है कल हम लोग म्यूजिक फेस्टिवल के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। प्लीज हाँ, आप टेलेक्स दे दीजिए कि रोमियो फेस्टिवल में नहीं आ सकता। क्या बात करता है यार, हम लोगों ने कितना मेहनत किया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये आदमी तो कुछ पागल सा हो गया है। ब्राउन अंकल, देख यार, अगर तू ना चलता हो तो मत चल, तेरे नहीं जाने से म्यूजिक का इंतकाल तो नहीं हो जाएगा। हम जेरी को ले जाएंगे। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगी। रोमियो, इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा, और तुम तो पहले से ही स्टार बनना चाहती हो। एक बार स्टार बनकर देखो इंसान कितना अकेला हो जाता है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं रोमियो के बगैर नहीं जाऊंगी। चलिता, क्या तुम चाहती हो कि रोमियो को बुरे दिनों के साथियों के साथ अन्याय किया जाए, इनके सारे सपने तोड़ दिए जाएं? बट अंकल, देखो बात मत बदलो, म्यूजिक फेस्टिवल वालों ने रोमियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो केस करेंगे और जीतेंगे भी। डैमेजेस पे करने में रोमियो बिक जाएगा और एक बार फिर से फुटपाथ पर आ जाएगा। सेव हिम लव, सेव हिम।
बेंजो बाबू, ये लड़की हमारे महल में नाचेगी, कीमत कुछ भी देने को तैयार है। जरा लगता है कुछ, क्या फेस है बड़ो, क्या देखता है इधर देख, लगता ना फेस ब्यूटीफुल जला। कम कम है गुरु, कम कम, तुम बैठो दोस्त, मैं देखता हूँ। साला आयुषा देखा नहीं कभी, तेरी जगन साला। ओ ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या करता है मैन, उसका बॉयफ्रेंड इधर ही बैठा है। अरे छोड़ बेटो, स्टार का कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं होता, जल्ला हुआ कोई साला जल्ला, आपन को नहीं छोड़ेगा। बटन खुलता ही नहीं है साला, बटन क्यों नहीं खुलता है, बस थोड़ा मदद करो ना अपन को। बेबी बोलूंगा इसको, मैं जरूर बोलूंगा। जवाब देना पड़ेगा क्या रोमियो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं। क्यों क्यों मेरी उदास जिंदगी में रहना चाहती हो, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। तुम स्टार हो, तुम्हारा फ्यूचर है, प्रेजेंट है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज गेट आउट ऑफ माई लाइफ। मुझे मेरे दुख दर्द के साथ अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे दुख दर्द बांटने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आई थी। फॉर मी लव इज फॉर एवर। तुम बहुत अकेले हो रोमियो, तुम्हें मेरी जरूरत है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ और मुझे चीने तो जाओ। ओके, चली जाती हूँ, मगर इतना सुन लो, तुम मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। थैंक्स अ लॉट। जाते जाते बत्ती बुझाते जाना। हेलो हेलो जनिता, क्या बात है? राधा, रोमी शराबी को अपनी जान दे देगा, वो धीरे धीरे आत्महत्या कर रहा है। राधा सुनो, जरा राम को फोन दे दो, उसने मुझे, मैंने वो घर छोड़ दिया। राधा, मैं एक होटल के रिसेप्शन से बात कर रही हूं, तुम उसकी मदद करो। राधा, डॉक्टर कह रहा था उसका लीवर भी खराब हो चला है, उसे बचा लो राधा, प्लीज। ऊपर वाले पहले तो खड्डे में गिरा दिया, ऊपर से फोटो खींच रहा है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन गया।
चला रे खींच। थैंक यू। रखेंगे शाम और तेरी बेटी हुई ना उसका नाम माँ के नाम से रखेंगे सीता। नहीं ना, नहीं, नहीं। जब तक मेरा भांजा पैदा ना हो जाए तू पानी के ग्लास से ज्यादा कोई भारी चीज नहीं उठाएगी। आज तूने मुझे बहुत खुश कर दिया रे, बहुत खुश कर दिया। और तूने भी मुझे बहुत खुश कर दिया शराब छोड़कर। अब मैं जाऊं। खाना तो खा के जा। रेशम इंतजार करता होगा। घर वालों ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि किसी के बेडरूम में घुसने से पहले दरवाजे को लॉक करना चाहिए। किसी का बेडरूम? ये बेडरूम मेरा है, ये घर मेरा है, ये बिस्तर मेरा है, ये जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं, ये भी मेरे हैं। ककरा, चौपा, ये उठाओ, उठाओ इस बिस्तर को, बाहर कहीं फेंक।
बच्चा को ले आए तुम? देखो डाले, कमीने, तुमने मेरी दौलत लूट ली, मेरे भैया ने मुझे सब कुछ दिया वो सब तुमने खा लिया, मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, और आज आज इस घर में एक वेश्या को ले आए तुम। नहीं, आई एम सॉरी, इनका बच्चा तो फिर भी नहीं, इनकी हालत भी अच्छी नहीं, खून इतना बह चुका है इनकी जान को खतरा है, इन्हें जिसने भी मारा है मारा बड़ी बेदर्दी से, ऑपरेशन का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूं। क्या बात है? अभी अभी मैं राधा को देखकर आ रहा हूं। डॉक्टर ने बताया कि किसी ने उसे बेदर्दी से मारा है। बेदर्दी का मतलब ना तो डॉक्टर को मालूम है और ना तुम्हें। मैं तुम्हें बेदर्दी का मतलब समझाने आया हूं। बेदर्दी का मतलब समझ गया? समझ गया। अब की बार मैं तुझे ठीक से समझाता हूं। मैंने तुझे कहा था ना कि राधा को दुख मत देना। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसने कैसे बच्चे की हत्या की है जो अभी तक जन्मा भी नहीं था, इसने मेरी बहन की खुशियों की हत्या की, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बहन की खुशियों की हत्या की है। ये आप क्या कह रहे हैं? राधा जी ने ऑपरेशन से पहले खुद बयान दिया है कि वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी है, और अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी मौत का जिम्मेदार किसी को न ठहराया जाए। तूने राधा का बयान सुना रेशम? अगर तेरे जहन में अब भी शर्म नाम की चीज जिंदा है तो इस बहन पर शर्म कर कमीने, इस बहन पर शर्म कर। Thank you.
फैंटास्टिक योर हाइनेस आपने राधा को मरवा के कमाल कर दिया है कमाल इधर उसकी अस्थियां गंगा में डूबेगी और उधर रोमियो शराब के नशे में डूब मरेगा और डॉक्टर ने कहा है अगर रोमियो एक बूंद शराब भी पिएगा तो वो मर जाएगा योर हाइनेस फैंटास्टिक Fantastic, Your Highness! ये काटा, Your Highness! आपने बहुत खूबसूरती से हमारे रास्ते से निकाल दिया है। कांटों से तो हमें नफरत है, Mr. Benjo! Mr. Benjo! लेकिन फूलों से हमें प्यार है, इश्क है। हमें वो फूल चाहिए, Mr. Benjo! लेकिन मैं समझा नहीं। वो गुलाब का फूल, जेनिटा। हमें चाहिए मिस्टर बेंजो जेनिटा पा 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 जेनिटा पा 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 चीयर्स चीयर्स हेलो रोमियो रोमियो मर गया मैं जेनिता बोल रही हूँ प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना नहीं नहीं मैं इतने बड़े सुपरस्टार का आया हुआ फोन कैसे डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ रोमियो तुम क्या समझते हो राधा की आत्मा तुम्हें इस हाल में देख के बहुत खुश होगी नाम मत लो उस बेईमान का अकेली अकेली मर गई ये भी नहीं सोचा कि उसके बाद उसका भाई रामू जिएगा कैसे मुझे उसके बिना जीना नहीं आता जनिता मुझे उसके बिना जीना नहीं आता झूठ बोल रहे हो तुम राधा की मौत को तुमने शराब पीने का बहाना बना रखा है तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो जनिता मैं सच बोल रही हूँ वो अपने भाई को दुनिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार देखना चाहती थी और तुम शराब पी रहे हो अगर तुम बाकी राधा से प्यार करते हो तो फेंक दो शराब का ग्लास और सीधे जलपाईगुड़ी चले आओ जहाँ मैं शो राधा के नाम डेडिकेट कर चुकी हूँ वहाँ आओ और दुनिया के सामने सबसे बड़े डांसिंग स्टार बनके अपनी बहन की अशांत आत्मा को शांति दो इसके सिवा तुम्हारी कोई श्रद्धांजलि राधा स्वीकार नहीं करेगी तुम सुन रहे हो ना रोमियो तुम आओगे ना तुम आओगे ना रोमियो तुम आओगे ना रोमियो तुम आओगे ना मैं आऊंगा आए हैं नाचेंगे नाचेंगे गाएंगे गाएंगे अंकल रोमियो आ रहा है जनिता तुम क्या समझती हो तुमने उसे आने के लिए क्या क्या ठीक किया तुम्हें तो उसके लीवर की कंडीशन अच्छी तरह से मालूम है क्या उसकी सेहत इतना बड़ा इतना टायरिंग शो बर्दाश्त कर पाएगी देखो जनिता तुम अच्छी तरह से जानती हो कि लोगों ने उसे कभी नहीं ठुकराया वही उन्हें छोड़ के चला गया था लोगों को तो आज भी उससे बहुत सी आशाएं हैं मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए वो इस कदर नाचे कि नहीं अंकल रोमियो को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये शो नहीं राधा के लिए उसकी श्रद्धांजलि है मैं कम इन Hello, hello, Sunita. How are you? Hello, man. How do you do? I know I'm not welcome here. Lekin Sunita, main tumhare liye ek fantastic proposal laya hu. Fantastic. Apna fayda bolo. Mera? Mera fayda? Mera fayda kuch nahi, old man. Lekin ek aadmi hai. He's a music lover, a Maharaja. I mean, ex-Maharaja. Isliye bechara public mein baith nahi sakta hai. Lekin Sunita, wo tumhara bilkul zabardast fan hai. Zabardast. और वो चाहता है कि तुम उसके पैलेस में आके गाना गाओ और पैसा जो चाहो मांग सकती हो मनी इज नो प्रॉब्लम फॉर द महाराजा आई हैव बीन एक्स महाराजा अपने राजा साहब से कह दो अगर मेरा गाना सुनना है तो जलपाईगुड़ी के शो में आकर सुने जलपाईगुड़ी बट जेनी यू डोंट अंडरस्टैंड ही इज अ महाराजा यस आई अंडरस्टैंड अपने महाराजा से कहिए मैं गाती हूँ मुजरा नहीं करती नाउ प्लीज गो अवे बट यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज गो क्या कहा तुमने इनकार कर दिया उसने That's right.
और मुझे इनकार करने के बाद जलपाईगुड़ी प्रोग्राम भी करने आ रही है। ये सारी की सारी खूबसूरत लड़कियां इतनी बेवकूफ क्यों होती हैं? ये जानते हुए भी कि जलपाईगुड़ी का रास्ता मेरे इलाके के बीचों बीच होकर जाता है। उठा लो उसे। तुम लोग क्या चाहते हो? चल हट बुड्ढे, चल हट जा, लड़की को बाहर निकालो। यू बास्टर्ड, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आप भी चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, चले जाओ बेटा। किसके आदमी थे वो? यहाँ जिस राक्षस का राज चलता है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। आई चले, कम ऑन, हरी अप, चलो चलो। माँ जी आप ये साड़ी बदल लीजिए। रोमियो, रोमियो, ओ हेलो रोमियो, हेलो, इट इज वंडरफुल। हॉल खचा खच भरा हुआ है, बाहर 100 रुपए की टिकट 1000 रुपए में ब्लैक हो रही है। लोग तुम्हें देखने के लिए बेचैन है, दे हैव गॉन मैड फॉर यू। आज तुम्हें बताना है दैट यू आर द ग्रेटेस्ट। All the best. जब तीस तैयार हो मैं बाहर देखता हूँ। I'm so happy, Romeo. I'm so happy. बेटा रामू, तो रामू है। हाँ। मेरा बेटा रामू। हाँ। नहीं बेटा नहीं, मुझे मत छूना। उस पापी ने इस शरीर को इतना मैला कर दिया है कि तुम्हारे छूने लायक भी नहीं रहा। वो राक्षस हर डांसर को वेश्या समझता है। कौन? ए एम सिंह। आज जो मैं ना आ गई होती तो आज उसने जनिता को भी उठा लिया होता। क्या उसने तुम्हें भी उठवा लिया था? हाँ बेटा। क्यों? ये मत पूछना, ये बात कोई भी औरत अपने जवान बेटे को नहीं बता सकती। मुझसे मत पूछना बेटे, मुझसे मत पूछना। शो शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट रह गए, गेट रेडी सून, ओके? एम सिंह, राधा के शो के बाद मैं अपनी मां तेरे के सुरमों का तेरे से गिन गिन कर बदला लूंगा। रामू, मेरी राधा कहाँ है?
अब तो उसकी शादी हो चुकी होगी ना। क्या क्या सपने देखे थे मैंने तुम दोनों के लिए। माँ, आज राधा का सपना साकार करने ही जा रहा हूं। उसे बचा लिया। जाओ, खत्म कर दो उस बुढ़िया को। उस खूबसूरत बला को हम उठाएंगे।
दूंगा मैं। किसमें है दम? आ गए यहाँ, मुझसे जो टकराएगा। Dance, 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 dance is life, life is dance। ली है कसम, तेरी कसम। रेशम, हाँ मैं राधा से तो माफी मांग सकूंगा, तुम भी मुझे मुझे माफ। रेशम, करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी छोकरी? छोड़ दो मुझे। Yeah!
जगाता है। जी हाँ, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से बात करना चाहती हूँ। मार बेटे मार, तोड़ दे इस कमीने के हाथ। तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। मुझे माफ कर दो। माफी तो मांग, माफी मांग इस मन से माफी। ये तेरी ऐश का नहीं, हमारा मंदिर है। यहां पर नाचने वाली हर औरत वेश्या नहीं होती, किसी की बहन होती है, किसी की मां होती है। पहचान इस औरत को, ये मेरी मां है। मां मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ जरूर कर दूंगा, लेकिन इससे पहले लौटा दो इनके जवानी का दिन, इनकी आबरू, लौटा दो इनके सुहाग। लौटा सकता तू? नहीं, तू कभी नहीं लौटा सकता। बहुत जी लिया तूने, बहुत जी लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं भी द्रौपदी की तरह तेरे खून से अपने बाल भिगोए बिना अपना जुड़ा नहीं बांधूंगी। बेटा, कर लीजिए इसे। ओह